दोस्तों आपको पता ही है कि चीन ऐसा एक ही देश है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है, पर शायद ये बात आपको पता नहीं होगी कि चीन में बनाए गए चीजें बस 20% ही असली या रियल होती है। बाकी 80% एक तो प्लास्टिक या जहरीले केमिकल से बनाई जाती है। और आश्चर्य तो आपको तब होगा जब हम बताएंगे कि भारत में चीन द्वारा एक्सपोर्ट किए हुए सारे सामान इन्हीं नकली चीजों से बनाए जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद अनजाने में आप भी चीन की यही नकली चीजें खाते होंगे, जिससे आप और आपके चाहने वाले बीमार भी पड़ सकते हैं। इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इसके अंत में हम आपको बताएंगे कि नकली चीजों से कैसे बचा जा सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर एक पर है नकली अंडे। जी हाँ, भारत में चीन के नकली अंडे काफी इंपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो काफी सस्ते होते हैं। पर आपको बता दें कि अब व्यापारी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आम अंडों में नकली अंडे मिक्स करने के बजाय पूरे ही नकली अंडे बेच रहे हैं। ये अंडे काफी खतरनाक केमिकल से बनाए जाते हैं। इस नकली अंडे को बनाते हुए किसी ने वीडियो भी निकाला है। अंडे के सफेद द्रव्य यानी एग व्हाइट को बनाने के लिए वो रेजिन, स्टार्च, कोएगुलेंट और पिगमेंट और सोडियम एलिग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, और उसका पीला पार्ट यानी योक भी ऐसे ही खतरनाक रेजिन्स और पिगमेंट से बनाया जाता है, और आपका नकली अंडा बनकर तैयार हो जाएगा। और इस नकली द्रव्य को एक नकली अंडे के छिलके में भर दिया जाता है, जो पैराफिन वैक्स से बना होता है। पैराफिन वैक्स यानी मोम। इस पैराफिन वैक्स के साथ वो कुछ मात्रा में गिप्सम पाउडर और कैल्शियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल करते हैं। जितने इन केमिकल्स के नाम सुनने में खतरनाक लग रहे हैं, उतने ये एक्चुअल में भी है। इनकी वजह से आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है। नंबर दो पर है गटर ऑयल। आपको नाम से अंदाजा आ ही गया होगा कि आगे का टॉपिक कौन सा है। चीनी लोग खाने का तेल बनाने के लिए गटर का इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट 2011 से इन इलीगल तेल बनाने की प्रक्रिया को बंद करने की कोशिश कर रही है, पर आज भी लोग इसे बनाकर बाहर वाले देशों में एक्सपोर्ट करते ही है। भारत की तरह ज्यादा से ज्यादा खाना चीन में तेल की मदद से बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ के लोगों ने तेल बनाने का काफी घटिया तरीका अपनाया है। ये रेस्टोरेंट के आजू बाजू वाले गटर में जाते जहाँ खाने का कचरा फेंक दिया होता है, और फिर उसी नाले से वो सारा गंदा कचरा निकालते हैं। फिर इस कचरे को एक बड़े से पतीले में उबाला जाता है। जब काफी देर बाद तेल ऊपरी सतह पर आ जाता है, तब ये उसे बाजू में निकालकर डिब्बों में भरते हैं, और थोड़े से केमिकल ऐड करने के बाद इन्हें बाहर तो एक्सपोर्ट करते ही है, पर खुद के देशों में भी बेचते है। इस तेल का बार बार सेवन करने की वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है। आप जो तेल खाने में इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वो इसी में से तो एक नहीं? नंबर तीन पर है नकली मांस। दोस्तों देखिए कैसे 2 से 3 केमिकल मिलाकर नकली मांस बनाया जाता है। ये व्यक्ति पहले तो अलग अलग कलर्स के केमिकल एक दूसरे पर डालता है, जिससे उस केमिकल को मांस का टेक्सचर आ जाता है, और जैसे ही वो उसे पानी में डाल देता है, वैसे ही वो उसे मांस का आकार देना शुरू कर देता है, और कुछ ही समय में कम दाम में इनका नकली मांस बनकर सामने आ जाता है। और गजब की बात यह है कि इस मांस का टेस्ट आम मांस से काफी मिलता जुलता है। तो अगली बार जब भी आप मांस खरीदने जाओगे, तब उसे एक बार अच्छे से चेक जरूर कर लेना। नंबर 4 पर है नकली चावल। आपने कभी सोचा है कि आप जो भी चावल हर रोज खा रहे हो, क्या वो सच में असली है? यदि मनुष्य खुद की तरह बात करने वाला और सोचने वाला रोबोट बना सकता है, तो उसके लिए नकली चावल काफी आसान काम है। चीन में सबसे ज्यादा चावल खाए भी जाते हैं और बनाए भी जाते हैं, पर चीन चावल के एक टाइप को भारत में काफी एक्सपोर्ट करता है, और उसका नाम है वुचांग राइस। ये अपने अनोखे सुगंध के लिए काफी प्रसिद्ध है, और हर साल चीन में 8 लाख टन ही ये राइस किसानों द्वारा बोया जाता है, पर चीन में हर साल 1 मिलियन टन राइस बेचा जाता है।
क्या आपने सोचा है कि आखिर ये एक्स्ट्रा चावल आ कहां से रहे हैं? मतलब इनमें से 92% चावल फेक यानी नकली है। यहाँ के व्यापारी थोड़े से वुचंग चावल में काफी सारे नकली चावल मिक्स कर देते हैं और उसे सस्ते में एक्सपोर्ट करते हैं। वही चावल फिर भारत में लाकर दूसरे चावल के साथ फिर से मिक्स कर दिए जाते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट भी ऐसे ही चावल को रेशनिंग दुकानों पर लोगों को बेचते हैं। पर आप पूछोगे कि फिर ये नकली चावलों की सुगंध असली चावल के समान कैसे आती है? आप ही सोचिए, यदि मनुष्य गुलाब के सुगंध वाला परफ्यूम बिना गुलाब को इस्तेमाल किए बना सकता है, तो चावल की गंध तो मानो उसके लिए बच्चों वाला खेल है। और कोई भी इस प्लास्टिक और केमिकल से बने हुए चावल को आसानी से नहीं पहचान सकता। ये चावल प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, यानी कि एक कटोरी इस चावल को खाना एक प्लास्टिक की थैली को खाने के बराबर है। सोचो, इस थैली को इंडिया में बैन किया गया है क्योंकि ये 100 साल के बाद भी डिकम्पोज नहीं होती, तो हमारा शरीर इस खतरनाक प्लास्टिक को कैसे हजम कर सकता है? इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक और लिवर फेल जैसे कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। नंबर 5 पर है नकली बकरी, पर यह मांस असली है। पर यह मांस बकरी का ना होकर चूहे का होता है। आपके लिए एक सवाल है, क्या आप इन दोनों में से बकरी और चूहे का मांस अलग कर सकते हो? यदि आपका उत्तर दाया है तो आप सही है। यदि आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि चूहे के मांस में आपको सफेद हिस्सा काफी दिखेगा। ये सफेद हिस्सा फैट्स होता है और ये चीज बकरी में काफी कम होती है। नंबर 6 पर है नकली अखरोट। अखरोट के बाहर का कवरिंग आपको पता ही है कि कितना हार्ड होता है, तो आप उसे खोल कर नहीं देख सकते। इसलिए ये चीनी व्यापारी उस अखरोट में पत्थर और सीमेंट डालकर बाहर से चिपका देते हैं। वो आधे अखरोट में से सामान बाहर निकाल कर उसे अलग से बेचते हैं और उनमें पत्थर भर कर बाकी में मिक्स कर देते हैं। चीन में आमतौर पर अखरोट वजन के हिसाब से बेचे जाते हैं और जब ये व्यापारी उनमें पत्थर और सीमेंट डालते हैं तो उसका वजन और बढ़ जाता है। नंबर 7 पर है अल्टरनेटिव मीट। 20,000 किलो गाय और सुअर का मांस गवर्नमेंट ने एक कंपनी से सीज किया। आपको पता ही है कि हिंदू में गाय को माता माना जाता है और मुस्लिम में सुअर को खाना गुनाह है। और चीन ऐसे ही मांस को भारत में एक्सपोर्ट करता है, जहां ये अलग अलग होटल्स में कम दाम में बेचा जाता है, फिर इसी मांस को आम लोगों को दिया जाता है। बकरी के मांस की तरह दिखने के लिए उस पर पैराफिन वैक्स और इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स लगाए जाते हैं। इसे खाने से एक तो हम अनजाने में अपना धर्म तो भ्रष्ट करते ही है, ऊपर से इसमें ऐड किए हुए केमिकल्स की वजह से लाखों लोगों की मौत भी होती है। तो अगली बार कहीं पर मांस खाने से पहले एक बार जरूर सोचे कि वो असली है या नकली, क्योंकि क्या पता जहां आप मीट डिश खाने जाते हो वहां का मालिक यही मांस सस्ते में खरीदता होगा। नंबर 8 पर है नकली ब्रेड। एक न्यूज चैनल ने यह खुलासा किया कि कुछ लोग ब्रेड तो बना रहे हैं पर गेहूं से नहीं बल्कि कार्डबोर्ड से। कार्डबोर्ड को कॉस्टिक सोडा में डुबा कर रखा जाता है। आपको बता दें कि ये केमिकल साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनका ऐसा कहना है कि जितना ज्यादा देर तक ये इस केमिकल में रहेगा उतना ही उसकी टेस्ट अच्छी आती है। जब ये बात बाहर फैली तब गवर्नमेंट ने जल्दी उन्हें अरेस्ट किया। नंबर 9 पर है नकली नमक। जी हाँ दोस्तों, अब तो नमक भी सुरक्षित नहीं रहा। चाइनीज लोग आम नमक की जगह इंडस्ट्रियल नमक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी टेस्ट आम नमक से थोड़ी मिलती जुलती है पर वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाने वाला नमक हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है और सिर्फ पेपर टायर जैसे चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पर कम कीमत होने की वजह से चीनी लोग अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। इस नमक को खाने की वजह से आपको कैंसर हो सकता है और इससे आपकी किडनी भी फेल हो सकती है। तो दोस्तों, आखिर में बात आती है कि आप इन सब से कैसे बच सकते हैं। यदि आपको असली चावल और नकली चावल का फर्क जानना होता है तो उसे पानी में न डालकर ऐसे ही बर्तन में जलाए। यदि वो काले होने की जगह और शाइन करने लगते हैं तो समझ लो वो नकली है।
इसी तरह आपको नकली सब्जी और असली सब्जी में फर्क जानना हो तो उसे भी जलाए, जैसे कि पत्ता गोभी। उसके एक पत्ते को गैस पर रखे और उसे गर्म करे। यदि गर्म करने के बाद वो काला होने की जगह रबर की तरह खींचने लगता है तो समझ लो कि वो नकली है। और दोस्तों, नकली अंडों में फर्क जानना काफी आसान है। यदि आप अंडे फोड़ोगे और उसके पीले पार्ट को अलग करोगे तो आपको उसके अंदर एक मॉम जैसी परत दिखेगी, जिससे आप अपने आप समझ जाओगे कि वो अंडे नकली है। दोस्तों, ये एक सोशल अवेयरनेस वीडियो है। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है और वो है आपको गुमराह करने वाली चीजों को सामने लाना। तो दोस्तों, इस वीडियो को सारी जगह पर शेयर कर दो ताकि इन चीनियों के नकली चीजों से हमारी जान को खतरा न हो।